अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो आज की रेसिपी है पाया। आज मैं बता रही हूँ कि पाया क्लीन कैसे करते हैं, साफ कैसे करते हैं। मैं तीन स्टेप बता रही हूँ, आप चाहे तो दो स्टेप भी कर सकते हैं और क्विकली बनाते हैं। मेरी तो फेवरेट है पाया, मज़ेदार लगती है। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए यूजुअली मैं पाए को तीन स्टेप में धोती हूँ, क्लीन करती हूँ। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि पाए को है ना, आप छुरी लीजिए और छुरी की मदद से इस तरीके से स्क्रैप करना चालू कीजिए और सारे एक एक करके स्क्रैप करते हुए साइड पे रख दीजिए बहुत ही अच्छे से। और अगर इनमें आपको छोटे छोटे बाल दिखे तो कुछ नहीं, चिमटा लीजिए, उसे पकड़िए चिमटे से और डायरेक्टली गैस के ऊपर रख कर ना चिमटे से उलट पलट करते जाए और उसके जो बाल वगैरह जो भी होगा ना वो सारा निकल जाएगा, जल जाएगा इनफैक्ट। और फिर वो करने के बाद फिर आप यहाँ पर इसे इस तरीके से खुरच लीजिए, जो भी कालापन होगा वो सारा निकल जाएगा। अब दूसरा स्टेप ये है कि एक बड़े से बर्तन के अंदर आधा कप आटा डालिए गेहूं का, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए कि एक थिक घोल टाइप बन सके, और बाकी के ये जो हमने सारे पाए साइड पे रखे ना ये सारे डाल दीजिए और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा मुझे पानी कम लग रहा है तो मैं डाल रही हूँ। अच्छा, इसमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद आप चाहें तो इसे 5 मिनट इसी तरीके से रहने दीजिए, नहीं तो यहीं से प्रोसीजर शुरू कीजिए। लेकिन मैं हमेशा 5 मिनट इसे इस आटे में रहने देती हूँ। 5 मिनट हो जाते हैं तो उसे बहुत अच्छे से मसल मसल के है ना, इसे जैसे कर रहे हैं कि क्लीन कर रहे हैं हम, इसे मसल मसल के आटे में क्लीन कर लीजिए एक एक पाए को लेके। उसके बाद उसी समय आप फिर से छुरी की मदद से इसे साफ करिए, इस तरीके से स्क्रैप करते जाए और साइड पर रखते जाए। ये फिर से एक बार सेकेंड टाइम ये फिर से आप प्रोसीजर करेंगे और ये जब सारे हो जाए तो फिर से बहुत अच्छे से मसलिए इनको आटे में और फिर अच्छे से खुले पानी से 2-3 पानी से इसे धो लीजिए। ये देखिए इस तरीके से। तीसरा स्टेप ना ऐसा है कि मैं हमेशा करती हूँ, आप चाहिए तो स्किप कर सकते हैं, बट पहला और दूसरा स्टेप जरूर कीजिएगा पाए के लिए, कितने भी क्लीन चाहे क्यों ना हो। थोड़ा सा मैंने पानी डाला, उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी का पाउडर डाल दिया और उबाल आ जाने दिया फास्ट आंच पर। जब उबाल आ जाए तो ये जो हमारे पाए हैं ये सारे डालकर इसे बार बार चलाते हुए फास्ट आंच पर 2-3 मिनट तक इसे पकने दीजिए, सो दैट वो जो एक स्मेल आती है ना वो इससे चली जाएगी। तो चलिए इसे 2-3 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे छान लेती हूँ और साइड पर रख देती हूँ। तो ये हो गया हमारा क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट। अब आप चाहें तो पाए को डायरेक्टली कुकर में बघारें या फिर पतीली में बघारें, मैं कुकर में बना रही हूँ। तो ये पायों को कुकर में डाल दीजिए, ये 4 मीडियम साइज की प्याज लंबी लंबी स्लाइस करी हुई डायरेक्टली डाल दीजिए। जी हाँ, ऐसे ही कच्चा डाल दीजिए, खुद बखुद वो पक जाएंगे इसके अंदर। अब गरम मसाले भी डाल देते हैं, एक बड़ी डंडी दालचीनी की है, एक बादियान है, 2 बड़ी इलायची है काली वाली, ये 8-10 लौंग है, 4-5 हरी इलायची है, 2 बड़े तेज पत्ते हैं और ये 8-10 काली मिरी है। ये सारे गरम मसालों को डाल दीजिए, नमक भी डाल दीजिए स्वाद अनुसार, मैं 1 छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ, और 1/2 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। अब यहाँ मैं पानी डाल देती हूँ, 4 कप डाल रही हूँ क्योंकि जो पाए है ना वो छोटे से बकरे के थे। अब अगर आपके नॉर्मल बकरे के पाए हो ना 4, तो आप 5 कप पानी डालिएगा, मैंने 4 कप पानी डाला। एक बार चला लीजिए और इसे ढक्कन ढककर फास्ट आंच पर 6-7 सीटी खिला लीजिए। जब 6-7 सीटी हो जाए तो धीमी आंच करके तकरीबन 15 मिनट तक स्लो आंच पर पकने दीजिए। आप पतीली में भी गला सकते हैं, पतीली में प्रोसीजर सेम ही रहेगा, जस्ट दैट ये है कि आप जब ढक्कन ढाक दें और स्लो पर रख दें 1-1.5 घंटे तक पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक ये हो नहीं जाते। जब तक प्रेशर निकल रहा है साइड पर एक प्याले के अंदर नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, मैंने थोड़ा सा डाला है, 1/2 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए और 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, 1/2 छोटा चाय का चम्मच जीरा भुना हुआ जीरा पाउडर और 1/2 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए। 1/4 कप पानी डालकर बहुत अच्छा मिक्स करके इस मसाले को मिक्सचर को साइड पर रख दीजिए।
चलिए प्रेशर अच्छा निकल चुका है, चेक कर लीजिए सबसे पहले तो कि पाए गल चुके हैं कि नहीं। अच्छा यहाँ है ना, मेरे जो बकरे थे वो बहुत ही छोटे बकरे के पाए हैं तो वो बहुत जल्दी गल गए, और आप देख सकते हैं कि प्याज अभी भी दिख रही है, राइट। तो अब मैं आपको दो तरीके बता रही हूँ इसे किस तरीके से घुलाना है हमारे प्याज को। यूजुअली बड़े मतलब नॉर्मल बकरे के होते हैं ना तो गल जाती है प्याज। अब पहला तरीका ये है कि फास्ट आँच चूल्हा कर दीजिए और इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आए तो बार बार चलाते हुए मीडियम आँच कर दीजिए और इसे पकने दीजिए। 3-4 मिनट तक पकाएंगे ना तो ये प्याज अपने आप खुल जाएगी। आपको दूसरा वे में ये बता रही हूं कि आप ये जो हमारे पाए हैं ना इन्हें एक एक करके नितार कर साइड पर रखते जाएं, और ये जो हमें पानी मिला ये जो स्टॉक मिला है ना इसका, इसे सबसे पहले तो छान लीजिए, और छान कर बहुत अच्छे से है ना ये जो ऊपर जो गूदा बचा है ये तो पूरा प्याज ही है, तो इसे बहुत अच्छा ये करेंगे ना मसलेंगे ना तो पेस्ट ही बनेगा उसका, तो ये भी हम इस्तेमाल करेंगे। बट सबसे पहले आप ये सारा पेस्ट बना लीजिए, ये पूरा छान लीजिए मेरा मतलब है, और ये जो पेस्ट जो बचा है उसे हम साइड पर रख देते हैं। अब ये जो स्टॉक मिला है इसे पतीली के अंदर फिर से डाल दीजिए, पायों को भी डाल दीजिए। अच्छा इस स्टेज पे आप सूप भी बना सकते हैं पाए का। पूछिए कैसे, ऐसे कि ये दोनों चीज जब आपने पतीली के अंदर डाल दी, खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, नमक एडजस्ट कर लीजिए, फास्ट आंच पर चूल्हा चालू कर दीजिए और एक उबाल खिला लीजिए। जब एक उबाल आ जाता है अच्छा स्लो आंच कर 2-3 मिनट ढककर सिमर होने रख दीजिए। अब जब सिमर हो जाए तो इन्हें निकाल लीजिए प्याले में और गर्मा गर्म पाया सूप रेडी है सर्व होने को। बट हम पाए का सूप नहीं बना रहे हैं, ग्रेवी बना रहे हैं, लेकिन वो वैसे भी थोड़ी सी पतली ही रहती है, गाढ़ी नहीं रहती है। तो अब यहाँ पर जो गूदा मिला है आपको ग्रेवी कितनी चाहिए, अगर आपको इतनी ग्रेवी चाहिए तो आप एज इट इज गूदे को डाल दीजिए, नहीं तो मुझे थोड़ी और ग्रेवी चाहिए तो मैं 1.25 कप पानी डाल रही हूँ, आप चाहें तो कम पानी डालकर ये वाले सालन के अंदर डाल दीजिए मिक्स करके गूदे के साथ। अभी सालन को मैं पीछे वाले चूल्हे पे रख देती हूँ, फास्ट आंच पर एक उबाल खिलाकर स्लो आंच कर दीजिए। इस बराबर में है ना मैंने एक फ्राई पैन रख दिया, 6-7 टेबलस्पून असली घी के डाल दीजिए, और इसमें प्याज है ना छोटी प्याज लीजिए या आधी प्याज लीजिए और इसे बारीक स्लाइस करके डाल दीजिए, और इसे तब तक फ्राई करें जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच, और वो जो मिक्सचर हमने मसाले का बनाकर रखा है वो डाल दीजिए, और इसे 2-3 मिनट तक भून लीजिए बार बार चलाते हुए। मैंने उसी समय 1/4 कप जितना पानी चलाकर इसमें डाल दिया है और फिर भून रही हूँ। अच्छा आप चाहें तो प्याज यहाँ पर मैंने डाली है, और अगर आपको डिस्टर्बिंग लग रही है तो आप वो स्किप कर सकते हैं, सिर्फ मसाले डालकर भून लीजिए। जब अच्छा भून जाए तो क्विकली ये जो हमारी पाए का सालन है इसमें डाल दीजिए और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और एक उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाता है तो इसे स्लो आँच करके ढक कर 8-10 मिनट पकने दीजिए। तकरीबन मैं तो 15 मिनट पकने देती हूँ, क्योंकि स्लो आंच पर ये सारे मसाले एक दूसरे में घुलेंगे, पाए का सूप और मैच्योर होगा और मज़ा आएगा, तो मैं बस यहाँ ढक के 15 मिनट के लिए रहने देती हूँ। चलिए 15 मिनट हो चुके हैं, चूल्हा में कर देती हूँ बंद और इसे गर्मा गर्म मैं सर्व करती हूँ। पाए का मज़ा तो कड़क पाँव के साथ ही है भाई, लेकिन मेरी एरिया में मिलते नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ नॉर्मल पाँव को थोड़ा सा मक्खन में रोस्ट करके मैंने निकाल लिया, और अब गर्मा गर्म मज़ेदार हमारे पायों को निकाल के मैं प्याले में सर्व करती हूँ। अच्छा थोड़ा सा पतला ही शोरबा इसका होता है, अगर आपको कम लग रहा है शोरबा तो आप थोड़ा सा पानी 1/4 जितना गर्म कीजिए, इसमें डालिए, 2-5 मिनट इसे स्लो आंच पर पकने दीजिए, फिर निकालिएगा। अब खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए, और आप चाहें तो हरी मिर्चियाँ बारीक काट कर डाल सकते हैं। तो ये बन गया हमारे मज़ेदार से बढ़िया से पाए। तो है ना मज़ेदार रेसिपी ये वाली। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए ये वाले वीडियो को, और उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ये वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।